बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। चैप्टर नंबर थ्री का ये टॉपिक है क्लास नाइन्थ बायोलॉजी में। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है रॉबर्ट वटीकर। 1967 में सबसे पहले उसने ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का कोर्स किया गया था। ये सिस्टम जो है इसकी कुछ बेसिस थी, कुछ बुनियादें थी जिसके बिना पर इस सिस्टम को प्रपोज किया गया था। वो बेसिस कौन कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट्स है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सबसेल है। यूनिसेलुलर है, वो एक सेल पर कंसिस्ट कर रहा है। यूकैरियोट्स है, उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मौजूद है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी मौजूद है और वो मल्टी सेलुलर भी है, एक से ज़्यादा सेल पर भी मुश्तमिल है। अब हमारे पास इसकी दूसरी बेस थी उसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो अपनी फूड कैसे लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड खुद बनाते हैं, अब्जॉर्प्शन के जरिए अपनी जड़ के जरिए जज़ब करते हैं, इंजेक्शन के जरिए या फिर अपने फूड को इंगल्फ करते हैं, निकलते हैं। इस सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाइड किया गया था, बाद में आने वाले साइंसदानों ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया था। मार्बलस और श्वार्ट्स ने 1988 में रॉबर्ट वटीकर के किए गए काम को थोड़ा चेंज किया, मॉडिफाई किया गया था। रॉबर्ट वटीकर के मुताबिक पाँच किंगडम थे, किंगडम मनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिली। ठीक है, अब इन पांच किंगडम्स को वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है किंगडम मनेरा। किंगडम मनेरा ये था कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और क्लोनियल का मतलब है, यूनिसेलुलर मतलब वो एक सेल पर कंसिस्ट करते हैं, क्लोनियल है वो क्लोनी बनाकर रह रहे हैं या फिर वो प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो किंगडम मनेरा के ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होते हैं, क्लोनियल भी होते हैं, प्रोकैरियोट्स भी हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब है कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, क्रोमैटिन मटेरियल इनका प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, बिखरा हुआ होता है। क्रोमैटिन मटेरियल का मतलब है उनके क्रोमोसोम्स, डीएनए। ठीक है, तो क्रोमोसोम ये जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज होता है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनका क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियस में मौजूद नहीं होता बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड होता है। ठीक है, इनमें कोई मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, जैसा कि कुछ ऑर्गेनेल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इन ऑर्गेनेल्स को मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल्स इसमें मौजूद नहीं होते, मतलब इन ऑर्गेनेल्स के सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। ठीक है, ये ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या है? हेटरोट्रॉफिक होते हैं और कुछ इनमें से ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटरोट्रॉफिक मतलब दूसरों पे अपनी फूड के लिए डिपेंड कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक अपने फूड के लिए खुद बना रहे हैं, अपने आप पे ही डिपेंड कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स इसकी शामिल की जाती हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अल्जी। ठीक है, ये था हमारे पास किंगडम मनेरा और उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास जो है इनके जब हम करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब है कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। जब हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, इनके सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें न्यूक्लियस मौजूद है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटीरियल क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब एक सेल पर भी कंसिस्ट करते हैं। क्लोनियल, सेल आपस में ग्रुप बना के क्लोनी भी बना सकते हैं, या फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस का मतलब है कि वो चेन बना के रहते हैं। डो नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज इन लाइफ साइकिल। किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर मौजूद होता है। किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म्स में न्यूक्लियस जो है, जाहिर सी बात है हमने स्टार्ट में बताया ये यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट का मतलब है कि इनमें न्यूक्लियस प्रॉपर मौजूद है, तो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, जो क्रोमैटिन मटेरियल वगैरह है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होगा।
मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं ऑर्गेनेली सेल के अंदर, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो किंगडम प्रोटिस्टा में मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेलीज हैं कि ऑर्गेनेलीज के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन मौजूद होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब हम इसमें देखते हैं तो अपने फूड लेते हैं अब्जॉर्प्शन के जरिए, इंजेक्शन के जरिए, फोटोसेंसिस के जरिए। अब्जॉर्प्शन जड़ों के जरिए जज़ब करते हैं, जैसे अल्जी वगैरह करते हैं, सॉरी फंजाई वगैरह। इंजेक्शन के जरिए, इंजेक्शन जो है निगलते हैं फूड को, ठीक है, जैसे कि एनिमल्स फूड को निगल जाते हैं। फोटोसेंसिस के जरिए अपनी फूड जो है वो लाइट की प्रेजेंस में खुद भी बना सकते हैं। ये थ्री मोड हैं इनमें न्यूट्रिशन के, तीन तरीकों से अपनी फूड ले सकते हैं। एग्जांपल इसकी आ जाती है हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम और अल्जी, इनको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रखना है, ठीक है। ये हमारे पास किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा थे। इसके बाद है हमारे पास किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूकेरियोट्स होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियर इन्वेल्प मौजूद होता है। इनका डीएनए, इनका क्रोमोसोम्स, क्रोमाटिन मटेरियल उस न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज होते हैं। उसके बाद है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, एक सेल पर भी कंसिस्ट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा सेल्स पर भी कंसिस्ट कर सकते हैं। हीटरोट्रॉफिक होते हैं, अपनी फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। हीटरोट्रॉफिक का मतलब है दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं, तो दूसरों पर डिपेंड करने के दो मेथड हैं, या तो वो दूसरों को खाएंगे, इंजेस्ट करेंगे, या फिर अपनी फूड दूसरों से अब्जॉर्ब करेंगे। तो किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म अपनी फूड अब्जॉर्प्शन के जरिए लेते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं फूड अपनी जड़ों के जरिए, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट, उनके इर्द गिर्द का जो माहौल है वहाँ से अपना अपनी फूड को अब्जॉर्ब करते हैं अपनी जड़ों के जरिए। इनकी सेलवाल जो है वो काइटन से बनी हुई होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती हैं रस्ट, स्मट, मोल्ड और मशरूम्स, ठीक है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि घर में अगर बासी रोटियां पड़ी होती हैं तो थोड़े अरसा पड़े रहने के बाद जब अगर वो गीली रोटियां हैं उनमें नमी मौजूद है तो वहाँ पे फंगस ग्रो करना शुरू हो जाती है। इसी तरह गन्ना वगैरह आपने देखा है अंदर से अक्सर काला होया होता है, ठीक है, वो अक्सर में फंजाई होती है जो कि उस गन्ने वगैरह के ऊपर अटैक करती है। या फिर अक्सर कूड़ा क्रिकेट का जो ढेर है उसके ऊपर आपने एक छतरी की तरह का, अम्ब्रेला की तरह का छोटा सा पौधा आप देखते हैं, वो एक्चुअल में वो किंगडम फंजाई से बिलोंग करने वाली मशरूम्स होती हैं। किंगडम एनिमिलिया है हमारे पास नेक्स्ट। किंगडम एनिमिलिया के ऑर्गेनिज्म यूकेरियोट्स होते हैं, एक से ज़्यादा सेल पर कंसिस्ट करते हैं, इसलिए इनको मल्टीसेलुलर बोला जाता है। हीटरोट्रॉफिक होते हैं, अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। दूसरों पर डिपेंड करते हैं इसका मतलब दूसरों को ये निगलते हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड, ठीक है। जैसे एनिमल्स आपने देखा है तो वो चारा वगैरह खाते हैं, ठीक है, घर में आपने एनिमल्स रखे हुए चारा वगैरह खाएंगे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाएंगे, ठीक है, तो वो एनिमल्स दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, फूड इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं, और निगलने के बाद जब फूड उनकी बॉडी के अंदर चली जाती है तो उस फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ये किंगडम एनिमिलिया के ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो से डिवेलप करते हैं। एम्ब्रियो से डिवेलप करने का मतलब है कि इनमें मेल और फीमेल गमेट्स जब दोनों फ्यूज़ करते हैं तो दोनों के फ्यूजन से एम्ब्रियो बनता है, फिर उस एम्ब्रियो से पूरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है किंगडम एनिमिलिया के ऑर्गेनिज्म्स की। एग्जाम्पल इसमें जितने भी सारे एनिमल्स हैं सब के सब एनिमल्स किंगडम एनिमिलिया में शामिल किए जाते हैं। किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्लांटी में प्लांट्स शामिल हैं, पौधे शामिल हैं। ये यूकेरियोट्स होते हैं, अपनी फूड जो है यूकेरियोट्स का मतलब है कि वो अपनी न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो किसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेल्प मौजूद है और उसके अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमाटिन मटेरियल मौजूद है। मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल हैं। सेल वॉल इनकी सेलुलोज से, जैसा फंजाई की सेल वॉल काइटन से थी तो प्लांटी की किस से है, सेलुलोज से, ठीक है। आप ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी है और प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी हुई है, तो आपने ये रिमेम्बर रखना है फंजाई की काइटन से जबकि प्लांटी की सेलुलोज से बनी होती है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक का मतलब है ऑटो खुद, ठीक है, अपनी फूड खुद बनाते हैं। किस मेथड के जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए, लाइट की प्रेजेंस में, सन लाइट को यूज़ करके अपनी फूड खुद बनाते हैं। एम्ब्रियो से डिवेल्प होते हैं, डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रियोज, वही अगेन जैसे किंगडम एनिमिलिया है, तो एम्ब्रियो से डिवेल्प होने का मतलब है कि मेल और फीमेल गमेट्स जब दोनों
फ्यूज़ करेंगे तो उनके फ्यूजन से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होगी। आइदर वो ऑर्गेनिज्म कोई प्लांट है या फिर वो कोई ऑर्गेनिज्म एनिमल। एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं मॉसिस, फर्न्स, कोनीफर्स प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, ये जो फूलदार पौधे होते हैं, कांटों वाले पौधे हैं, आपके इर्द गिर्द जितने भी प्लांट शामिल हैं सारे के सारे प्लांट्स इस किंगडम प्लांटी में इंक्लूड किए जाते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ा है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया, एंड देन लास्ट वन इज किंगडम प्लांटी। अल्लाह हाफिज़।